मणिपुर के इंफाल शहर सुरक्षा बलों वालों एक महिला आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। उत्तरी कश्मीर के उड़ी जिले के एक सरहदी इलाके में आज एक सवेरे बाजार में भयानक अग लग गई। इस हादसे में 9 लोग जख्मी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आज एक मिनी बस वालों मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। फिलीपींस में भयानक मानखुट तूफान कारण मरण वालों की गिनती बढ़ के 49 हो गई है। रिवाड़ी जबर जनाह की घटना से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि तिना दोषियों की पहचान हो गई है। उन्होंने कहा कि यह बदकिस्मती है कि वह एक दूजे को जानते सन। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले तो एक सैप्टिक टैंक में सफाई दौरान जहरीली गैस रिसण नाल 5 लोगों की मौत हो गई। मरण वालों में 3 मजदूर समेत मकान मालक और उसकी पत्नी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 17 से 18 सितंबर को वाराणसी जाएंगे। 18 सितंबर को वह इत्थे 500 करोड़ रुपए की लागत वाले वख-वख विकास प्रोजेक्टों का नींह पत्थर रखेंगे। फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद शक्तिशाली तूफान मंगखुट हांगकांग पहुंच गया है। इस कारण हर पासे तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। तूफान के वधन कारण सरकार वालों सवेरे 10 बजे तक संकेत जारी किया गया है। भाजपा प्रधान अमित शाह ने राजस्थान के पाली में एक रैली को संबोधन करदिया कहा कि गांधी परिवार ने 70 साल तक भारत से शासन किया पर फिर भी उन्होंने गरीब और पिछड़े हुए लोगों को पूरे हक नहीं दिते। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी संघ के चोन नतीजे आ गए हैं। इस खब्बे पक्षी गठजोड़ ने 4 सीटों से जित हासिल की है।